338 करोड़ के मामले में जा सकती है केजरीवाल की कुर्सी। ईमानदार पार्टी के मुखिया की कुर्सी खतरे में। कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? ईडी की चपेट में केजरीवाल के छूटे पसीने। अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल के बड़े नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल के आठ हाथ जो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को संभालने का काम करते थे, यानी कि संजय सिंह की आप बात कर लीजिए, मनीष सिसोदिया की आप बात कर लीजिए, सत्येंद्र जैन की आप बात कर लीजिए, यहाँ पर आप राघव चड्ढा की बात कर लीजिए, आतिशी की बात कर लीजिए, यहाँ पर आप दिलीप पांडे की बात कर लीजिए, यहाँ पर आप तमाम ऐसे नेता जो आम आदमी पार्टी को संभालते हैं, आम आदमी पार्टी को आगे ले जाने का काम करते हैं, उन तमाम नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। संजय सिंह कल राउल्स एवेन्यू कोर्ट में जो है पेश होते हैं, उनकी याचिका किस तरीके से जो इन पर सुनवाई होती है, आगे का समय दे दिया जाता है और तारीख पर लगातार यहां पर संजय सिंह को मिलती चली जा रही है। और अब अरविंद केजरीवाल तो छोड़िए, उनके तमाम नेताओं को जो है अब यहां पर पुलिस यानी तिहाड़ जेल में दीपावली मनानी पड़ेगी। पुलिस छोड़ने वाली नहीं है, पुलिस लगातार सवाल अभी पूछ रही है, ईडी लगातार सवाल पूछ रही है। तो सवाल यह उठता है कि क्या दीपावली के बाद अरविंद केजरीवाल को भी जेल में जाना पड़ेगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या अब यहां पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और आम आदमी पार्टी गिर जाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा दांव खेल देंगे या फिर किसी को मुख्यमंत्री की दावेदारी सौंप देंगे? क्योंकि आप देखिए कि जब शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हुआ करते थे तो उनकी पूरी भूमिका अब आतिशी निभाती नजर आ रही है। और भी इन तमाम नेताओं की बात करें जिनको जो है कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया, उनको पद दिए गए, लेकिन सवाल अब लगातार यही उठ रहा है कि दिल्ली की जमीनी हकीकत क्या होगी और जमीन पर उतरने के बाद क्या जनता इस बात को स्वीकार करेगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। आम आदमी पार्टी की जमीन पर जो हरकतें हैं, जो हकीकत है, वो खुलती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ कुर्सी की लालच में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तमाम राज्यों में पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, जेल पहुंच जाते हैं, तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि आपको याद होगा कि जब लालू यादव चारा घोटाला पकड़े जाते हैं तो उन्होंने अपनी पत्नी पर दांव खेला, यानी उन्होंने अपनी पत्नी जो है राबड़ी देवी को उतारा। हालांकि राबड़ी देवी जो है राजनीति में सक्रिय नहीं थी, राबड़ी देवी को बहुत प्रॉब्लम्स और समस्याओं का सामना करना पड़ा शुरुआती दौर में, लेकिन कहीं ना कहीं वह मुख्यमंत्री बनके सामने आई। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अमन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि अरविंद केजरीवाल कौन सा दांव खेलेंगे जमीनी हकीकत में, क्योंकि जमीन पर जनता को जो है अब संचालित करना है, जनता के लिए काम करना है, क्या यहां पर अपनी पत्नी को उतार सकते हैं या फिर कोई और अभी आपको नाम दिख रहा है? देखिए ऋतिक, आपने महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया, क्योंकि जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे जेल के अंदर बंद हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी जांच की जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसा लोग मान रहे हैं, जानकार मान रहे हैं कि हो सकता है जिस तरह का मामला उनके ऊपर, हो सकता है उनको भी जेल हो जाए, सलाखों के पीछे पहुंच जाए। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात आपने कही है कि सीएम दिल्ली का कौन होगा। देखिए, सुनीता केजरीवाल जो उनकी वाइफ है, उनके ऊपर लगातार ये बात चल रही है कि हो सकता है वो जो है आने वाली मुख्यमंत्री दिल्ली की हो जाए, लेकिन इसी बात को बीजेपी के जो नेता हैं मनजिंदर सिंह, उन्होंने भी बात कही कि भाई जो है सुनीता को सीएम बनाने के लिए ही अरविंद केजरीवाल इतना सारा समय ले रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर हम आम आदमी पार्टी को देखें तो जो उनके नेता हैं वो इस बात से लगातार खफा भी हैं, नाराज भी हैं कि भाई आखिर सुनीता का नाम आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो एक तरीके से परिवारवाद की जो राजनीति है उसको आप जन्म दे दोगे कि पति के बाद पत्नी और पत्नी के बाद उनके बच्चे, कहीं ना कहीं वही परिवारवाद वंशवादवाद की जो आप अब तक खिलाफत रहे वही नजर आएगी। जैसे में उनकी जो पत्नी है सुनीता, उनका तो मुझे नहीं लगता कि वो सीएम बन पाएंगी या सीएम को बनाना आम आदमी पार्टी चाहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो कल मीटिंग हुई उसमें भी निकल कर ये बात सामने आई है कि वो एक मत नहीं है सुनीता के ऊपर, क्योंकि तमाम लोग यही कहते हैं कि भाई अगर केजरीवाल को जेल होती है तो सुनीता को लाने का मतलब ये है कि हम परिवारवाद की परंपराओं के आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दो तीन नाम मुझे लगता है हो सकते हैं, राघव चड्ढा, चूंकि उनके ऊपर मामला चल रहा है तो उनका भी कुछ नहीं पता, तो वो एक उनके अलावा अगर बात करें तो आतिशी एक बड़ा नाम मेरे ख्याल से हो सकती हैं कि उनको ये जिम्मेदारी मिले, और सौरभ भारद्वाज भी एक बड़ा नाम मेरे ख्याल से निकल कर सामने आ सकते हैं कि उनको भी एक जिम्मेदारी। गोपाल राय एक नाम है, बिल्कुल वो भी, हाँ बिल्कुल, दो तीन लगता है। गोपाल राय, दिलीप पांडे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, और यहाँ पर गोपाल राय, दिलीप
पांडे की हम जब बात करें तो यहाँ पर इनको बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए, कई बार जो है उनको तमाम एजेंसियों का भी सामना करना पड़ा और इसके साथ साथ जो है अपने नेताओं के बचाव में बहुत सारे बयान भी देने पड़े। क्या आपको लगता है कि जो आपने अभी जिक्र किया, आपने यहाँ पर कहा कि उनकी पत्नी जो सुनीता है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की, तो वो सामने नहीं आ सकती है, लेकिन सर इन नामों में अगर किसी एक को नाम को चुना जाता तो आपको लगता नहीं कि बहस पैदा होगी, टूट पैदा होगी? क्योंकि हर कोई चाहता है कि अभी मौका है, मौका मिल गया तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। राघव चड्ढा भी सर ये चाहते हैं, जाहिर सी बात है। और आपने सही कहा, क्योंकि देखिए गोपाल राय का जिक्र आपने अच्छा किया, क्योंकि गोपाल राय जो है अनुभवी व्यक्ति हैं, अनुभव उनके पास है, राजनीति को समझते जानते हैं। और आतिशी और सौरभ भारद्वाज और भी जो दिलीप पांडे का आपने जिक्र किया, तो हो सकता है अनुभव के बिना पर वो पीछे रह जाए, लेकिन हाँ इसमें गोपाल राय का नाम सबसे आगे निकल कर आ सकता है, क्योंकि हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम चीज़ों में वो छाए रहते हैं, तो हो सकता है गोपाल राय वो अगला नाम हो। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जेल के अंदर पहुंच रहे हैं, तो कहने के लिए छवि को भी रीतिक नुकसान पहुंच रहा है दिल्ली और समेत और तमाम जगहों पर। क्योंकि देखिए एक आध नाम को आप यूं कह सकते हैं कि चलिए एक आध नाम पकड़ गया कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं उस पर भी आप ये कह रहे हैं कि भाई हम पे ही दबाव बनाया जा रहा है। देखिए अदालत जो है, ईडी जो है, ऐसी जो संस्थाएं हैं वो बिना किसी सबूत के काम नहीं करती। और देखिए अदालत में जिस तरह से हम देख रहे हैं, कल भी जो संजय सिंह की पेशी थी, लगा कि उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी भी 24 तक उनको बोला गया कि भाई आप जेल के अंदर रहिए। तो ऐसे में जो ईडी अपनी बातें रख रही है, सबूत रख रही है, उसके बिना पर जो अदालत फैसले कर रही है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और भी बड़ा नाम, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल है, वो भी सलाखों की पीछे आए। सवाल आपसे ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी की जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि आप देखिए कि आम आदमी पार्टी कहती है कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम आंदोलन से उठी हुई पार्टी है, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम जनता के लिए काम किए हैं, आम आदमी पार्टी कहती है कि 1947 वाला कोई ईमानदार पार्टी है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। तो इसके सर एक्चुअल में जमीनी हकीकत क्या आप देखते हैं? देखिए पता नहीं इसमें, मुझे लगता है, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो आपको याद होगा कि पहले तो ऑल्टो में आए, फिर मेट्रो में बैठ के आए, छोटे से घर में वो रहा करते थे, आज जरा उनका सब कुछ आप देखिए, शीश महल का नाम जिस तरह से बीजेपी और तमाम जो पॉलिटिकल लोग कहते हैं, और उनका लाइफ स्टैंडर्ड आप देखिए कि कैसे उनके चेंजेस होते चले गए। तो देखिए आज से 5 साल पहले वो क्या कहते थे, आज वो क्या कहते हैं, और 5 साल वो बात क्या कहेंगे, इसमें बहुत अंतर है रीति। क्योंकि आप कहते कुछ हो पद पर आने से पहले, लेकिन जब पद पर बैठते हो तो चीज़ें चेंज हो जाती है। और ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार सवाल बनते हैं कि भाई आप जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो आप ये कहते थे भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 रूम का घर चाहिए, मुख्यमंत्री का खर्चे कट करने चाहिए, ये कट करना चाहिए, लेकिन आज आप देखिए आलीशान जिंदगी आप जीते हो। तो ये सवाल अपने आप में उठते हैं। और देखिए जमीनी हकीकत की आप बात कर रहे हैं, देखिए अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाली आप आज किस तरह से जेल के अंदर बंद है उनके जो तमाम बड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में काला तो जरूर है, क्योंकि जहां से कहते हैं कि आग लगती है वहीं धुआं उठता है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी वजह है, क्योंकि शराब नीति से लेकर और भी तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मुश्किलों में डाले हुए हैं। लेकिन हाँ ये जरूर आपने सही कहा शुरुआत में सेंटेंस के कि ये जो आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, तो बाकी इनका काम भी वैसा अगर नजर आए रीतिक, तो मेरे ख्याल से दिल्ली में इनकी टक्कर का शायद कोई भी नहीं है, लेकिन जिस तरह की अभी हरकत नजर आ रही है, लगातार जो ये मामले सामने आ रहे हैं, तो हो सकता है दिनों में दिल्ली में भी इनकी साख के ऊपर कहेंगे बट्टा लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी की जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है दावा ठोकने में नंबर वन पार्टी, कट्टरवादी में नंबर वन पार्टी, लेकिन आखिर जमीनी हकीकत क्या है, आखिर क्या पता चलता है इस रिपोर्ट से, आप खुद ही देखिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या अरविंद केजरीवाल किसी और को सौंपेंगे अपनी जिम्मेदारी, या फिर कोर्ट से परमिशन लेकर यहां पर जेल से चलाएंगे सरकार? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। दर्शकों आपको बता दें कि अभी 2 बातें लगातार चल रही हैं। पहली बात ये कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे रखेंगे या फिर किसी नेता को आगे रखेंगे, और अगर अरविंद केजरीवाल किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो क्या जेल से सरकार चला पाएंगे? क्योंकि दर्शकों यहां पर लगातार सवाल ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल आखिर किन रणनीतियों को अपनाएंगे, क्या विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास रहेंगे? दर्शकों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरह जेल से सरकार चल सकती है, क्या एक मुख्यमंत्री जेल में रहकर फाइल साइन कर सरकार चला सकता है? इस पर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव रहे उमेश सहगल ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसा अब
तक पहले कभी नहीं देखा गया है कि कोई चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ हो और सरकार भी चला रहा हो। उन्होंने कहा, सरकारी कर्मचारी के लिए प्रोविजन है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और वह 24 घंटे या 48 घंटे तक जेल के अंदर रहे तो वह सस्पेंड हो जाता है, लेकिन सैलरी जारी रहती है। वहीं जब बाद में केस खत्म हो जाता है तो तब फैसला कर लिया जाता है कि उन्हें बहाल किया जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, अगर यही प्रोविजन यहां पर भी लागू होता है तो अगर आप जेल में रहते हैं तो आपके पास मकान भी रहेगा और आपको सैलरी भी मिलती रहेगी, आप सस्पेंड नहीं हो सकते। किसी मुख्यमंत्री और मंत्री को सस्पेंड करने का कोई प्रोविजन नहीं है, कोर्ट से लेनी होगी परमिशन। यानी कि ये कहा गया कि विकल्प यह है अरविंद केजरीवाल के पास कि वह कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं। ओमेश सहगल ने कहा कि ये बात अलग है कि जब आपको 2 साल की सजा हो जाती है तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है, लेकिन जब तक अंडर ट्रायल है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हालांकि सवाल यह है कि जेल से अपना काम कैसे करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता, क्योंकि मुख्यमंत्री का काम सिर्फ फाइल पर साइन करना नहीं होता है बल्कि कैबिनेट मीटिंग में शामिल होना, LG के साथ मीटिंग करना, अधिकारियों के साथ मीटिंग करना और भी कई जरूरी मीटिंग भी जो है मुख्यमंत्री को करनी पड़ती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा विकल्प क्यों देखेंगे? ओमेश सहगल ने जानकारी देते हुए कहा, चूंकि ये ज्यूडिशियल कस्टडी होगी तो अगर केजरीवाल को कोई पेपर भी साइन करना है तो आपको कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। मीटिंग अटेंड करने के लिए भी आपको जेल मैनुअल के हिसाब से चलना होगा, वह भी कोर्ट जब तय करेगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं। यहां पर सहगल ने कहा कि ये हो सकता है कि कोर्ट फाइल साइन करने की इजाजत दे, लेकिन विधानसभा अटेंड करना और अधिकारियों के साथ मीटिंग करना और कैबिनेट मीटिंग करना, इन सब चीजों के लिए कोई भी कोर्ट इजाजत नहीं देता है। अगर कोर्ट मुख्यमंत्री को कंडीशनल वेल दे देती है तो वह ऐसा कर सकते हैं, वरना मीटिंग्स करना अलाउड नहीं है। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप और प्रत्यारोप भी जो है लगातार जारी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल पर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल पूछताछ और जांच से भागने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए समन पर बुलाए जाने पर भी ईडी के ऑफिस नहीं जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि अगर कोर्ट परमिशन नहीं देता है तो क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता को आगे रखेंगे? तो देखा आपने इस रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पोल खोल आप हो रहा है। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, मुख्यमंत्री पर हम बात कर रहे थे कि अगर किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया गया, नाम आपने बहुत सारे गिनवाए, अगर इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो क्या आपको लगता है कि और लोग नाराज होकर बागी हो जाएंगे? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि जो पद के लालची होते, सत्ता के लालची होते हैं, वो इस तरीके की रणनीति बनाते हैं, और जो बागी हुआ अगर उसने ही पूरा भेद खोल दिया कि आम आदमी पार्टी का सच क्या है, अंदर की बात क्या है, फिर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी कहीं की नहीं बचेगी? जी बिल्कुल, और सही कहा आपने, कई नामों में, क्योंकि एक आम सो बीमार वाली बात जो हम लोग कहते हैं, एक अनार सो बीमार, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज नजर आती है कि एक पद के लिए कई लोगों के नाम सामने आते हैं। अब इसमें से किस नाम पर जिक्र होगा, किस नाम पर अंतिम मोहर लगेगी और क्या उस पर सब सहमत होंगे? क्योंकि जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनीता केजरीवाल के ऊपर जब बात हुई बैठक में तो तमाम सारे जो आम आदमी पार्टी के लोग थे वो नाराज हो गए कि भाई इनका नाम क्यों, तो इसका मतलब कहने के लालसा तो हर एक के मन में है कि मुझे सीएम बनना है, मुझे सीएम बनना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस नाम पे भी सहमति बनती है तो क्या सब लोग उसके साथ में होंगे और क्या यहां से आम आदमी पार्टी के अंदर भी कोई बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा मौका है सीएम बनने का, तो क्या ऐसा भी हो सकता है? मुझे लगता है हो सकता है, बाकी क्योंकि जो सीएम पद का जो भी लीडर सामने आएगा उसको लेकर लगातार आपस में मतभेद हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें आने वाले दिनों में मुझे लगता है खड़ी हो सकती है। तो आपने सुना है प्रमाण जी को, सबसे बड़ी बात है कि यहां पर अब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा कौन, ये अरविंद केजरीवाल स्वयं जो है यहां पर डिसाइड करेंगे और बताएंगे। हो सकता है कोई मीटिंग भी उनके सामने हो, लेकिन सबसे बड़ी बात निकलकर यहां पर यह भी आ रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को क्यों धोखा दिया, क्योंकि यह लगातार आरोप उन पर लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की नगरी को शराब की नगरी बना दिया, राजधानी को शराब की नगरी बना दिया, और आज उनके तमाम जो बड़े नेता हैं जिनके दाहिने बाएं हाथ रहे आज वह लगातार जेल में है। यानी कि आप समझिए, दिवाली के मौके पर हर कोई जो है अपने घर पहुंचता है, दिवाली के दिए जलाता है, खुशियां मनाता है, लेकिन आज आप देखिए कि काली करतूत ऐसी पकड़ी गई, भ्रष्टाचार ऐसे पकड़ा गया कि उनके 3 बड़े नेता इस बार की दिवाली जेल में मनाएंगे। क्या कुछ आपको लगता है आम आदमी पार्टी की जमीनी हकीकत को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।